जो लोग सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते हैं ना, उनके लिए 7 बजे का टाइम थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो चुका रहता है, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई रहती हैं। मेरी तो बिल्कुल नहीं खुली रहती हैं भाई साहब, 7 बजे तक तो आधी खुली और आधी बंद। और इसी में मैं पैक कर रही होती हूँ इसका बैग, तो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स, उसका रूटीन सब कुछ अरेंज कर दिया मैंने, उसका बैग पैक कर दिया। और ये बहुत प्यारा क्यूटू सा स्कूल बैग है उसका, जो उसकी मासू ने उसे दिया था। और ये रहा उसका वाटर बॉटल, और उसके बाद हम एक असफल कोशिश करते हुए सार्थ को उठाने के लिए। उठ जा बेटा, ये बज रहे होंगे लगभग 8:30 और सार्थ स्कूल जा चुका था, और ये टाइम था मेरा रेडी होने का। तो नहा धो के मैं रेडी हो रही थी, थोड़ा सा लाइट मेकअप तो करना घर में भी बनता है, बिकॉज अच्छा लगता है, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो रेडी होने के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने, यही है मेरा बेसिक डेली रूटीन जो मैं सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक डेली बेसिस पे फॉलो करती हूँ। सार्थ के स्कूल जाने के बाद नहा धो के जल्दी से रेडी हो गई, उसके बाद किया मैंने छोटा सा पूजा, 1 मिनट वाली पूजा होती है मेरी, इससे ज़्यादा लंबी मैं पूजा नहीं करती। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट, तो आज से ब्रेकफास्ट में तरबूज मेरे फेवरेट, और ब्रेड ऑमलेट विद टी। तो ये ब्रेड ऑमलेट छोटी ने बनाए थे, तरबूज मैंने कट किए थे, और चाय भी मैंने बनाई थी। तो अब मैं करूँगी तसल्ली से बैठ के ब्रेकफास्ट अपने, एकदम तसल्ली से। इस वक्त तक मेरा बेड वेड कुछ भी अरेंज नहीं है, कुछ भी नहीं अरेंज है, ये सब मैं बाद में करूँगी। इस वक्त मैं तसल्ली से बैठ के मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि ये वो टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है ना सारे काम बहुत हरी में कर लो, बट आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर थोड़ा सुकून से करना चाहिए। इंसान इतनी मेहनत करता किस लिए है, खाने के लिए ना, तो ये काम बहुत सुकून से होना चाहिए। तो मेरा हो गया ब्रेकफास्ट फिनिश। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं वीडियोज एडिट कर रही थी, तब तक मेरा ध्यान गया कि 10:30 हो गया, 10:35 होने वाला है। सार्थ को जाके लाना चाहिए स्कूल से। सार्थ आज बहुत टाइम के बाद स्कूल गया है, और पापा भी नहीं है, और पापा वैसे चाह भी रहे हैं कि थोड़ा सा मैं भी उसके स्कूल जाऊँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बचती हूँ जाने से, मतलब थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बचती हूँ। ऐसा लगता है कि चलो पापा है तो फिर वो कर ही लेते हैं, तो छोड़ो। अगर पापा नहीं मतलब अवेलेबल रहते उस टाइम पे, तब तो मैं जाती, तब तो मैं खुद को स्ट्रांग करती थोड़ा। बट पापा ले जाते हैं मोस्टली, 80% ऑफ द टाइम तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट पापा ये चाहते हैं कि 50% टाइम मैं खुद जाऊँ। उनको लगता है कि मतलब मुझे भी जाना चाहिए, ताकि मेरा दूसरे पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हो, और मतलब मैं माँ हूँ तो मुझे उसके स्कूल जरूर जाना चाहिए डेली बेसिस पे। इसलिए भी कि एक टाइम तो तुमको जाना ही जाना चाहिए, जिस टाइम में तुम अवेलेबल रहो। तो मैंने सोचा कि पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और मैं थोड़ा आलस कर जाती थी कि चलो कोई नहीं, पापा ले ही आते हैं। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं भी करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फटाफट से मैंने कपड़ा चेंज किया, एकदम से 2 मिनट वाला फास्ट फास्ट जींस डाला, स्लीपर्स में ही जा रही हूँ। और ये डाला मैंने टॉप, बहुत प्यारा सा, ये मैंने इस साल की गर्मी में पहली बार निकाला है, पिछली बार एक दिन पहन के रख दिया था, मिंत्रा से मंगाया था मैंने, बहुत प्यारा लगा था मुझे, स्पेशली इसका स्लीव भी। बातें कम करते हैं, चलते हैं पहले सार्थ को लेकर आने, क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो मुझे इसका भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसको रिक्शा से लेकर आऊंगी, तो चिल्लर वगैरह रख लिया जाए, किधर मिलेगा चिल्लर। इतनी तेज धूप है ना इस समय, क्या बताओ, एकदम सिर के ऊपर धूप है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। इधर से बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो मतलब अकेले के लिए क्या है रिक्शा लेना। और जितना देर में मैं रिक्शा के चक्कर में रहूँगी, उतने देर में फास्ट फास्ट भाग के जाना पड़े। इतनी तेज धूप यार, एकदम लगता है ना इस समय की धूप में ग्लूकोज बॉडी से निकल गया है। आधा डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने। हम कल सुबह सुबह खोल के हटा देंगे, हम कल सुबह सुबह हटा देंगे खोल के। मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे, आज है थर्सडे। और जैसे ही अभी जस्ट मैं नहा के बाहर आई हूँ, तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है इधर का, बहुत ही अच्छा मौसम है, पूरा क्लाउड वाला हवा चल रहा है। अभी मैं कपड़े फैलाने आई थी, तो मुझे मौसम दिख गया, तो मैं यहीं पे खड़ी होकर मौसम एंजॉय करने लगी। आपको भी दिखाती हूँ,
ये देखिए आसमान में कितने अच्छे अच्छे बादल है ना, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, खूब अच्छी हवा चल रही है और इनफैक्ट बारिश होने लगी, बूंदे पड़ने लगे। ये प्लांटर्स यहाँ लगा दिए छोटी ने ना, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत स्पेशियस लग रहा है, नीचे पूरा खाली खाली, बहुत सुंदर भी लग रहा है ये देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से ना मैं कुछ कपड़े शिफ्ट करूँ, नहीं तो ये पूरा गीला हो जाएगा, सब ऐसे फैला रखा है मैंने बाहर की तरफ, तो इस वाली डोरी के सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। इधर शिफ्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, बड़ा गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए, हवा चलने लगे तो दिल खुश हो जाता है, लगता है चलो एक दिन और गर्मी से राहत मिली है। अभी मैं पूजा करने जा रही थी लेकिन यहाँ आके अटक गई। इधर वाले कपड़े मैं पहले शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ पूजा करके आती हूँ। बारिश तो होती रही, सार्थ स्कूल गया हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज तो पता, सुबह मैं बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, नींद नहीं पूरी हुई थी, उसकी आदत है 8-8, 10-10 घंटे मतलब सिंगल स्टेज में सोने की, और वो स्कूल जाने की वजह से पूरा नहीं हो पाता है, तो बहुत रो रहा था। बट मैंने गुस्से में थोड़ा सा हल्का सा मैंने इस पर थप्पड़ भी लगा दिया उसके। तो 11 बजे के आसपास सार्थ की छुट्टी होती है, 5 मिनट में वो घर आ जाता है, 5 से 10 मिनट में। तो उसके स्कूल से लौटने से पहले ब्रेकफास्ट के बाद 10 से 15 मिनट का मैं एक रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी कलेक्ट करनी होती है। वापस आने के बाद उसके पीछे मुझे 2 घंटे भागना पड़ता है, उसको नहलाना और चेंज कराना, फिर खाना खिलाना, फिर सुलाने की कोशिश करना, तो इन सब के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। तो ये था मेरा सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक का रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।